बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th के मैथ का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट हमारे पास लॉगरिथम्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो स्टूडेंट लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी है, जिसकी वजह से कि ये हमारी इस बुक के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो बेटे मैथ का ये जो टर्म लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं, अक्सर औकात मैथ्स के अंदर हमें बहुत ही बड़ी या बहुत ही छोटी किस्म की वैल्यूज़ के साथ डील करना पड़ता है, जिसको लिखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कि अगर किसी भी टाइप का अगर आप उसमें मिसिंग करते हैं तो आपकी पूरी पूरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो इसी दिलिए स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिशियंस ने एक मेथड जो है जो लॉगरिथम्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर हम बहुत ही डिफिकल्ट या कम्प्लेक्स किस्म की जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उसको इस यूजिंग लॉगरिथम्स के जरिए से हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है। तो जो हमारी टर्म है, जो भी हम इस पे बात करनी है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। जी तो बेटे साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की है कि मैथमेटिक की कैलकुलेशंस करते हुए हमें अक्सर औकात बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमारी जो ज़मीन है उसका सूरज से फासला 15 करोड़ किलोमीटर है तकरीबन। और इसी तरह हमें अक्सर औकात बहुत ही छोटे नंबर के साथ जो भी डीलिंग करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका मैस जो ग्रा उसका वेट जो है हमारे पास वो 0.007 ग्राम होता है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम का वेट है हमारे पास इतना छोटा होता है, और अगर यहाँ पे इसमें कोई भी जीरो लिखने की सेंस के अंदर अगर हम कोई एक आध जीरो भी कम डाल देते हैं तो इससे हमारी जो है वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम नंबर को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये जो प्रॉब्लम होती है जीरो लिखने की वो हमारे पास सॉल्व हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब हमने इस 15 करोड़ को हमने कन्वर्ट करना हो इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो देखिए बेटे अगर यहाँ पे पॉइंट मौजूद नहीं है तो ऑब्वियसली उसके पॉइंट उसके लास्ट पे मौजूद होता है। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब चेंज करना है, और एक और बात है याद रखिएगा कि इस तरह से जब हम नंबर को लिखते हैं, जब हम उसके जो ऑल के ऑल डिजिट हैं वो अगर लिखें तो इस चीज़ को हम ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी कि देखें स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वो ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर गिवन होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना होगा अपने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट हमारे पास इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अब देखें 15 करोड़ किलोमीटर को मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मेरा रूल जो मुझे कहता है कि जो पॉइंट है मेरे पास, जो भी मेरे पास नंबर गिवन होगा उसमें जो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर है, ठीक है, इसमें देखें फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर क्या है, 1 है, तो डेसिमल यानी जो आपका पॉइंट है वो आ जाना चाहिए इसके बाद। उसके बाद आपने इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, 10^n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जब आपने हमारा जो पॉइंट है वो हमारे नॉन डिजिट नंबर से पीछे होगा, ठीक है। तो आपने इसे मूव कहाँ पे करवाना है, जब आप इसे लेफ्ट साइड को मूव करवाएंगे तो इस यहाँ पे हम जो 10 मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं उसकी पावर पॉजिटिव होगी, यानी एन जो हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव होगा। और इसी तरह जब मैं हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे इस नंबर से पीछे होगा, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा तो हमने मूव किधर करना होगा, राइट साइड पे, तो 10 जो होगा उसकी पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। और देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये जो 15 करोड़ है उसको स्टूडेंट अब मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैंने इसको लेके आना है हमारे फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर पे, यानी मैं इसे लेके आऊंगा 1.5 हो जाएगा, और
मल्टीप्लाई, अब मैंने मल्टीप्लाई करवानी है बेटे 10 की पावर इन में से, या तो 10 की पावर n होगा और 10 की पावर माइनस n होगा। अब यहाँ पे n आपके पास क्या है, तो जितने ये पॉइंट जो है, जितने नंबर स्टूडेंट जंप करेगा वो हमारे पास n की वैल्यू होगी। तो देखें ये मेरे पास 1.5 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पॉइंट ने जंप किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, हमने मल्टीप्लाई करवाना 10 को। तो पहले तो देखिए हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आने वाली है। तो हम देखते हैं इस पॉइंट ने कितना जंप किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और उसने 8 टाइम जंप किया। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो 15 करोड़ किलोमीटर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इजी लिख सकते हैं 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। इसी तरह स्टूडेंट जब हम ये हमारे पास जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है, जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखें हमारे पास इस पूरी वैल्यू के अंदर नॉन डिजिट, फर्स्ट जो नॉन डिजिट नंबर है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है 1 पॉइंट, उसके बाद एक 1 डिजिट है हमारे पास 7 × 10। अब देखें जी 10 की पावर स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट की तरफ आ रही है या राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मौजूद थी, तो उसने मूव करना है राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट पे था तो उसने राइट को मूव किया है, तो हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो इसका मतलब 10 की जो पावर है हमारे पास पावर है वो नेगेटिव आने वाली है। तो देखते हैं कितना जंप करेगी स्टूडेंट मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 25 टाइम्स जंप किया है इसने राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है ग्राम्स के अंदर, अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.7 × 10⁻²⁵ ग्राम आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है 5700 और हमें कहा जा रहा है जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए। तो ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है स्टूडेंट कि ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। तो मींस हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, हमने इस अपनी इस ऑर्डिनरी नोटेशन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ पहले कि जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये लिखा हुआ है नंबर 5700, तो इसमें अगर आपको पॉइंट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब स्टूडेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लास्ट में मौजूद है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, साइंटिफिक नोटेशन में हमारा जो पहला काम होता है, हमने हमारा जो डेसिमल है या हमारे पास ये जो पॉइंट है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.7। अब देखें ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपने बातें पढ़ी होंगी, फिजिक्स के अंदर भी आप इसको अच्छी तरह से इसकी एप्लीकेशन पढ़ चुके होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपके पास जो जीरो है उसे हम नहीं लिखते। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें मैंने अपना जो पॉइंट है उसको मूव करवाया है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो 10 होगा उसकी पावर जो n आने वाली है, n मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखें कितने जंप किएगा स्टूडेंट, ये 1, 2 और 3 टाइम जंप करेगा, तो 5.7 × 10³ मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ, वो सेम इसी तरह से है और आप खुद इसको ट्राई करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.00643, इसको हमने कन्वर्ट करना है हमारी साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या इसका आंसर आने वाला है। तो देखें स्टूडेंट सबसे पहले देखें हमें पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पीछे हमने लेके जाना है। स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास इस पूरी वैल्यू में जो 6 है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो बेटे मैं इसे लिख लूंगा 6.43, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर देखें स्टूडेंट हम यहां से लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं या राइट साइड को मूव कर रहे हैं। देखिए पॉइंट मेरे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है और मूव मैंने करवाना है इसको राइट साइड की तरफ। तो जब हम राइट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करवाते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास या जो n है या नंबर ऑफ जंप्स जो हमारे पास है वो नेगेटिव में आते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास ये क्या वैल्यू बनेगी, ये कितने जंप करेगा स्टूडेंट, 1
एंड थ्री, तो स्टूडेंट उसने थ्री टाइम जंप किया, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर आपके पास 8 और 8 जो है वो स्टूडेंट हमारे पास जो इससे पहले हमने वन पार्ट फर्स्ट पार्ट किया है सेम उसी तरह होगा, और 9th पार्ट जो है वो जो इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप फाइंड आउट कर लेंगे। पार्ट नंबर जो 10 है स्टूडेंट वो देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जो हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चंस के अंदर काम किया है ये हमारे पास सेम वही काम होने वाला है। तो देखते हैं बेटे स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए इसमें पॉइंट मौजूद है स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पे, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो से पहले, तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 2.75 जो कि मेरे पास सिग्नेचर फिगर है, और जीरो को हम या हम स्किप कर देते हैं, वो सिग्नेचर फिगर नहीं है, तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 10। इसी तरह डिवाइड में जब स्टूडेंट हम यहाँ पे आते देखें, चले इसे पहले कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट था राइट साइड पे, हमने इसे मूव करवाया है लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसका मतलब जो 10 की पावर आने वाली है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने स्टूडेंट्स ने कितने जंप किया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टूडेंट, ये इसने 5 टाइम जंप किया, तो 10^5 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जो वैल्यू मौजूद है देखें, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट है हमारे पास वो 2 बन रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.5 × 10 आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट इसने कितने जंप किए हैं, बेटे हमारे पास 1, 2 एंड 3 थ्री जंप किए हैं, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी पावर जो होती है हमारे पास वो नेगेटिव होती है, तो यही स्टूडेंट हमारे पास इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर हमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ये मतलब क्या है स्टूडेंट, जो अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन निकालने के लिए जो मेथड लगाया, यानी जो हमारे पास आंसर है उसको वापस हमने उसकी पहली फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, यानी हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम काम करते थे वही मेथड अगर हम रिवर्स कर देंगे और उल्टा चलेंगे, तो हमारे पास ये जो हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। तो देखें बेटे हमारे पास लिखा हुआ है 6 × 10^-4 लिखा हुआ है। अब देखिए जी मेरे पास इस वैल्यू के अंदर पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट एंड में मौजूद है। ठीक है, हो सकता है मे बी आपके पास वो सिग्नेचर फिगर ना हो, यानी अगर जीरो होने की वजह से आपने उसको मेंशन नहीं किया, तो ये आपके पास 6.0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग हमारे पास नेगेटिव पे पावर आएगी, ठीक है, 10^2 अगर एन होगा, तो इसका मतलब जो है जो हमारे पास पॉइंट था वो मूव करेगा वो मूव करेगा लेफ्ट साइड को, लेकिन वो मौजूद होगा राइट साइड पे। ठीक है, और इसी तरह जब हम बात की थी माइनस एन की, तो स्टूडेंट वो हमारे पास मूव करना था लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो पॉइंट मौजूद होना था हमारे पास लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसे डिस्कस किया। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास जो जीरो है वो कहां से आया है, यानी जो एन की पावर है हमारे पास वो कहां से आई है, लेफ्ट से आई है, तो हमने इसको लेफ्ट में मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है, 4 पॉइंट मूव करवाना है। तो देखें बेटे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो 6 × 10^-4 नंबर था, इसको मैंने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है जी, 4 नंबर मूव करवाना है। फर्स्ट डिजिट हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिजिट, यानी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, और ये स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन की बन जाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है ना हमारे पास वो अब हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा, और फोर्थ जो पार्ट है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व हो जाएगा, तो आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये आपके लिए लास्ट पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू गिवन है 5.06 × 10^10। तो देखिए जब हम अपने इस रूल को देखते हैं, तो अगर पावर स्टूडेंट मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे मौजूद था, राइट साइड पे मौजूद था, और वो लेफ्ट की तरफ मूव करके यहाँ पे पहुंचा हुआ है। हमने क्या करना है, उसको राइट साइड की तरफ वापस उसकी जगह पे पहुंचा देना है। तो सिंपल है स्टूडेंट, ये क्या होगा हमारे पास, तो देखें एन की पावर हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब ये 10 जंप करके लेफ्ट साइड पे आया था, तो हम इसको वापस इसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो स्टूडेंट नंबर हो जाएगा 1, 2। ठीक है, ये 2 सिग्नेचर फिगर जो हमारे पास आ रहे थे वो हो गए। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट जो है वो लास्ट में मौजूद है, अगर आप उसे लिखें, अगर नहीं भी लिखते तब भी वो आपका मीनिंग जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। किसी भी किस्म का डाउट हो कि किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछ लिया कीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।